ईमेल हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईमेल का आविष्कार किसने और कब किया था? ईमेल का आविष्कार एक भारतीय ने किया था जब वो 14 साल के थे। ईमेल 30 अगस्त 2021 को 39 साल की हो गई है। तेजी से संदेश पहुंचाने वाली ईमेल का आविष्कार शिवा अयाधुरी ने 1978 में किया था। तो कुवैत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वीडियो में हम आपको कुवैत के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपने शायद ही सुनी होगी। कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पानी के समीप एक महल। कुवैत भी और देशों के जैसे अंग्रेजों का गुलाम हुआ था और इसे 19 जून 1961 को अंग्रेजों से आजादी मिली। कुवैत में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ऊंट की रेसिंग का खेल सबसे पहले कुवैत में 2006 में शुरू हुआ था। 1934 में कुवैत में तेल के भंडार की खोज हुई और ये तेल सप्लाई में छठे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। हमारे रोजमर्रा खान पीन में अहम भूमिका अदा करने वाले दूध से जुड़ी हुई एक अनोखी जानकारी सामने आई है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भैंस, बकरी, भेड़ इन सब का दूध हम लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो पीने के लिए हो या चाय और कॉफ़ी के लिए हो। लेकिन समय के साथ साथ बाज़ार में भी दूध के गैर डेयरी प्रोडक्ट्स आते रहे हैं, जैसे सोया मिल्क, बादाम का दूध आदि। अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ने जा रहा है जो ना तो किसी अनाज का और ना ही ड्राई फ्रूट का, बल्कि एक ऐसी सब्जी है जिसे अधिकतर लोग रोजाना किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलू की। अब बाजार में आलू का दूध आने वाला है। स्वीडिश कंपनी ने इसे डक ब्रांड के द्वारा लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसके 3 फ्लेवर निकाले हैं, बरिस्ता पोटैटो, अनस्वीटेंड पोटैटो, ओरिजिनल पोटैटो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों में से एक की, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दुनिया की सबसे लंबी दीवार को बनने में कई सदियां लग गई थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 5वीं शताब्दी में बनाया था और ये 16वीं शताब्दी तक बनी थी। कई लोगों की मेहनत और समर्पण से इसका निर्माण हुआ था। इसको चाइनीज लोगों ने बनाया था ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सके, जो कि लगभग 4000 मील लंबी है। अलग अलग सदियों में आए शासकों ने इसका निर्माण कराया था ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सकें। इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, रेत, पत्थर और चावल के पानी का इस्तेमाल किया गया है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो कि कई पहाड़ियों और रेगिस्तान से होकर गुजरती है। जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों से सलाह लेना, ऐसे लोग जो खुद के दम पर कामयाब हुए हैं। वो लोग आपको ये सिखाएंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। दूसरा, ऐसे लोगों से सलाह लेना जो लाइफ में कई बार फेल हुए हैं, क्योंकि वो आपको सिखाएंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। और अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे लोगों से सलाह मत लेना जो नॉर्मल लाइफ काट रहे हैं और जो ना ही फेल हुए और ना ही सक्सेस हुए, मतलब उन्होंने कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करी, बस पहले ही हार मान ली। तो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और नेगेटिव लोगों का साथ अभी से छोड़ दें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। तो कहा जाता है अगर आपको जन्नत देखनी है तो आप दुबई चले जाएं। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें और लग्जरियस लाइफ दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये एक अमीर देश है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए जानते हैं कुछ हैरान कर देने वाली बातें दुबई के बारे में। दुबई की आबादी लगभग 30 लाख है, जिसमें से 50% भारतीय हैं। दुबई में अपने ही घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस चाहिए और बिना इजाजत के आप अपने घर में शराब नहीं पी सकते। दुनिया की सबसे लंबी सोने की चैन दुबई में है, जो कि 4.2 किलोमीटर की है और इसका वजन 22 किलो है, जिसे 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। 1960 से पहले दुबई एक रेगिस्तान क्षेत्र था। 1960 में तेल की खोज होने के बाद ये बहुत जल्दी ग्रो हुआ और ये अब सबसे खूबसूरत देशों में शुमार है। दुबई एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता। ऑक्सीजन जो कि हर एक लिविंग थिंग के लिए जरूरी है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी आंखों का कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जिसे ब्लड की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेता है। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको पहले से पता था या नहीं कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि सैटर्न और जुपिटर ये तो ऐसे प्लेनेट है जहाँ पर हीरो की बारिश होती है। वहाँ पर ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि हीरा किन किन चीज़ों से बनता है और हीरो को बनने के लिए क्या चाहिए। तो हीरे को बनने के लिए कार्बन, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीनों चीज़ चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ के वातावरण में सबसे ज़्यादा कार्बन गैस पाई जाती है, और मौसम में बदलाव के कारण जब इस कार्बन पर बिजली गिरती है तो ये ग्रेफाइट में बदल जाते हैं, और ग्रेफाइट में बदलने के बाद वायुमंडल के प्रेशर यानी दबाव के बाद ये हीरे में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताऊँ। एक व्यक्ति जो 7 नौकरियों से रिजेक्ट हो गया था, वो सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। एक दिन वो उदास बैठा कॉफ़ी पी रहा था और ब्रेड खा रहा था। अचानक
अचानक से उसकी टेबल पर एक चूहा आया और उसकी ब्रेड खाने लगा। वो व्यक्ति चुपचाप से उसको देखने लगा और उसकी उछल कूद और बदमाशी देखकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई। और फिर उसने सोचा, क्यों ना इस चूहे का एक कार्टून कैरेक्टर बनाकर बच्चों को दिखाया जाए। और यहीं से जन्म हुआ मिक्की माउस का, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कार्टून कैरेक्टर है। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वॉल्ट डिज्नी थे। तो दोस्तों, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके जीवन में आपके मन का नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देना चाहता है। और भगवान जब आपको कहीं पहुँचाना चाहता है तो रास्ता खुद बना देता है, लेकिन कठिन से कठिन परीक्षा लेता है। तो हिम्मत मत हारिए, अभी आपकी परीक्षा चल रही है और रिजल्ट अच्छा ही आएगा, खुद पर भरोसा रखिए बस। दोस्तों, आप जब भी कभी दूर का सफ़र तय करते हैं तो आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब आप लंबा सफ़र तय कर रहे होते हैं उस वक्त नेटवर्क और डेटा प्रोवाइडर की वजह से हमारा मोबाइल बार बार नेटवर्क बदलता रहता है और पास के किसी नेटवर्क को सर्च कर उससे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो हम दूसरे नेटवर्क में आ जाते हैं, और इसी तरह बार बार नेटवर्क बदलने की वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और इससे बचने के लिए जब भी आप कभी लंबे सफ़र पर जाएं तो अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगा दें, अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाली है तो। दोस्तों, आपने अपने किसी बड़े से सुना होगा कि किताबें पढ़ने से हमारा दिमाग तेज होता है और टीवी या वीडियो देखने से हमारा दिमाग जल्दी ग्रो नहीं होता, क्योंकि टीवी या वीडियो देखने से हमारा दिमाग यूज नहीं होता, इसलिए हमारा दिमाग जल्दी विकसित नहीं हो पाता। और किताबें पढ़ने से या सुनने से हमारा दिमाग तेज होता है, क्योंकि हम किताबें पढ़ने से ज़्यादा कल्पना कर पाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपना तेज दिमाग, तो वर्चुअल स्टडी के जगह किताबें पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो किताबें पढ़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं और अब भी किताबें पढ़ते हैं। जैसे कि बिल गेट्स को ही ले लीजिए, वो पूरे साल में 50 किताबें अब भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं लाइफ में कुछ अचीव करना तो किताबें पढ़ना शुरू करें, क्योंकि किताबें आपको वो ज्ञान देगी जो किसी के पास नहीं है। जैसा कि इलॉन मस्क को ही ले लीजिए, इन्होंने खुद किताबें पढ़कर स्पेस तक की रिसर्च कर डाली और आज आप जानते हैं कि किस मुकाम पर हैं। और वर्चुअल स्टडी से आप उतना ही जान पाएंगे जितना वो आपको बताएंगे। और लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए हमें कुछ नया सीखना जरूरी है। एक लड़की जिसे पोलियो था, डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी नहीं चल पाओगी, पर उसकी माँ ने कहा कि तुम एक दिन जरूर चलोगी। उसने डॉक्टर की बात पर ना यकीन कर अपनी माँ की बात पर यकीन किया और धीरे धीरे कोशिश करते करते वो चलने लगी। और फिर उस डॉक्टर ने कहा कि तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकती हो। और उस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ, जो 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। विल्मा रुडोल्फ अपनी माँ की वजह से चल पाई, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें पॉजिटिव बातें बताई थी कि तुम एक दिन जरूर चलोगी, और लगातार कोशिश करने की वजह से वो चली ही नहीं बल्कि दौड़ी भी। तो दोस्तों, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, बस जरूरत है तो पॉजिटिव बातें की, पॉजिटिव माइंडसेट की, और पॉजिटिव बातों को सुनने की और नेगेटिव बातों को इग्नोर करने की, और किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से करने की, लगातार करने की, जब तक करने की जब तक आपको वो रिजल्ट ना मिल जाए जो आपको चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसा सपना है तुम्हारा, जिसे करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं? अगर है तो कमेंट में जरूर बताओ। मेडिकल साइंस इंसानों के शरीर के अंदर के रहस्य के बारे में जानने के लिए एक्सरे मशीन का यूज करती है, जिससे पता लगाया जा सके कि शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है। अगर कोई इंसान एक्सरे मशीन की जगह सिर्फ आंखों से ही देखकर पूरा हाल बता दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये जानकर हैरानी हो, पर ये सच है। रूस की नताशा डैमकिना को जीती जागती एक्सरे मशीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी आंखें एक्सरे मशीन के जैसे काम करती हैं, जो किसी भी इंसान के अंदर के अंगों को देखकर बीमारी का पता लगा लेती हैं। तो दोस्तों, आपको इनकी नेचुरल पावर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ वीडियो। दोस्तों, खुशी और गम ये दो हमारी जिंदगी के दो पहले हैं, कभी खुशी कभी गम, ये सब जिंदगी में लगा रहता है। लेकिन एक रिसर्च में पता लगा है कि इंसान की खुशी 9 दिन से ज़्यादा नहीं रहती, उसके बाद वो कम होने लगती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो। और दुख या कोई ऐसी बात जिसे सोचकर आपको दुख हो, अगर आप ऐसी बात को सोचते हैं तो वो दुख और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, बीते हुए वक्त को सोचकर टाइम वेस्ट ना करें, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको एंजॉय करें। याद रखना, जीवन में वही बातें बुरी लगती हैं जिसमें कोई सच्चाई होती है। जैसे आप नशा नहीं करते और कोई इंसान आपको सबके सामने नशेड़ी बोल दे तो आप उसकी बातों पर हंसेंगे, लेकिन अगर आप नशा करते हैं और कोई इंसान आपको सबके सामने नशेड़ी बोल दे तो आप शांत हो जाएंगे या तो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करने लगेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सच्ची बातें सबको बुरी लगती हैं।
दोस्तों, नदी और समुद्र में इतनी तेजी से पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार 20 सालों में नदी और महासागर में जीव जंतु से ज्यादा प्लास्टिक होगा, जो कि एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन बींग की लाइफ के लिए हानिकारक है। और एक स्टडी में पता लगा है कि 90% जीव जंतु किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं, और हर साल 8 से 10 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है, और हर 6 महीने में 8000 से ज्यादा जानवर मर जाते हैं, और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो एंडेंजर की लिस्ट में शामिल हैं। और एडिडास कंपनी ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकल करना सोचा और समुद्र पर पड़े प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकल करके जूते बनाए, और एक जोड़ी जूते बनाने के लिए 11 प्लास्टिक की बोतल यूज होती हैं। और 2017 में इन्होंने 10 लाख प्लास्टिक की बोतल से जूते बनाकर बेक भी दिए। और 2020 में एडिडास ने 15 से 20 मिलियन जूते बनाने के लिए रिसाइकल प्लास्टिक यूज किया, और इन्होंने 2800 टन प्लास्टिक समुद्र में जाने से रोक लिया। तो दोस्तों, आपको इनका आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और #motivation को सब्सक्राइब करें।